बहुत से लोग तुम्हें कहते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जिस स्टॉक या कंपनी में तुम्हें इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कंपनी एक्चुअल में बनाती क्या है, करती क्या है? क्या तुम्हें कंपनी का मार्केट कैप पता है कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है? नहीं। तुमने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा है? नहीं। तुमने चार्ट देखा है कि चार्ट में कहाँ पे रेजिस्टेंस आया है, कहाँ पर सपोर्टिव है, बैकअप है? नहीं। क्या तुम्हें पता है कि कहाँ पे ओवर सेल हुआ है, ओवर परचेस हुआ है? नहीं। क्या तुम्हें पता है कि कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए? नहीं। हर एक चीज के लिए इंटरनेट पे डेटा है, हर एक चीज को यूज करने के लिए टूल है। ऐसे किसी को मत सुनो, यू नो, कि कोई भी मूव उठा के, यू नो, कि उसने किसी और से सुना टिकटॉक पे अपने कंटेंट बनाने के लिए जल्दी आके तुम्हें कहता है कि नहीं तुम ये लो। नहीं। हर एक चीज को लेने से पहले खुद को एजुकेट करो, सेल्फ एजुकेट करो खुद को कि एक चीज को तुमने कब लेना है, कब सेल करना है, उस कंपनी का मार्केट कैप क्या है, वो कंपनी करती क्या है। यू नो, चार्ट को समझो कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, कहाँ पे ये चार्ट नीचे क्यों गया है, तुमने इसको समझना होगा कि क्यों डाउन गया है, क्यों अप जा रहा है। आज मैं तुम्हें सब इस ट्यूटोरियल में सिखाता हूँ। तो इस चीज को जानने के लिए तुम सबसे पहले tradingview.com पे जाओगे, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब कोई भी स्टॉक हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, तुम इसको सर्च करो, कोई जो भी कंपनी हो, तुम जिस कंपनी में तुम जा रहे हो, चाहे वो क्रिप्टो है, शेयर है, चाहे वो टेस्ला का है, अमेजॉन का है, या जो भी है, सर्च बार में तुम डालो, क्लिक करो। जब तुम यहाँ क्लिक करते हो, तुम्हें ये चार्ट आ जाता है। चलो हम फुल फीचर चार्ट देखते हैं। जब तुम यहाँ पर आ जाते हो, यहाँ पर तुम देखते हो कि रेजिस्टेंस हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर गया है, बैकअप सपोर्ट है। देखो, अब हम जानेंगे कि ये क्यों यहाँ पे गिरा है और क्यों यहाँ पे ऊपर गया है, ठीक है। जब फुल फीचर पे तुम क्लिक करोगे, हम जाएंगे इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे जब तुम क्लिक करोगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे क्लिक करोगे, जब तुम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को ऑन करो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये लाइन्स आ रहे हैं। अब इस पर्पल लाइन का क्या मतलब है? ये पर्पल लाइन जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, इस लाइन से नीचे आया है, इसका मतलब है ओवर सेल हुआ है, लोगों ने बहुत ज्यादा सेल किया है इस चीज को, इसलिए ये नीचे आया है। अब अगर तुम क्रिप्टो में नए हो तो तुम्हें करना क्या चाहिए? सही तरीका ये है कि उस टाइम पे लो जहां पे ओवर सेल हो। जैसे ही ओवर सेल हो जाए, प्राइस बिटकॉइन की गिर जाती है। कितना गिरा है? 1100, 1179 ये गिरा है। अब जब तुम यहां पर देखो, ये पर्पल लाइन जो है, लाइन से ऊपर गया है। क्यों गया है? ओवर परचेज हुआ है। जब ओवर परचेज हुआ है, कितने डॉलर ऊपर गया है? यहाँ पर तुम ऊपर देख सकते हो, ऑलमोस्ट 1100 डॉलर ऊपर गया है, 1100 डॉलर ऊपर गया है। अब अगर तुम इसे इस पॉइंट पे खरीदते हो, 2000 डॉलर गिर गया है, क्यों? ओवर सेल हुआ है। अगर अभी तुम इसे इस पॉइंट पे खरीदते हो और इस पॉइंट पे सेल करते हो, तो तुम्हें फायदा कितना होगा? 1100 डॉलर का। लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं, अंदाजा नहीं, और तुम किसी को सुनो और ऐसी ही तुम्हें कहे, और तुम इसे इस तुम्हें इस लेवल पे तुम खरीदो एक, तो तुम्हें बिटकॉइन जो है 56,000 का पड़ा। अब क्या पता कि इस पॉइंट पे ओवर सेल हो जाए और यहाँ पर गिर जाए, तुम्हारा वैल्यू जो है 2000 से लेके 3000 तक और गिर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये बात तो सही है, तुमने 56,000 का खरीदा है, लेकिन मेन गोल ये है कि हमने पैसा बनाना है। फिर से हो जाएगा, ओवर परचेज हो जाएगा, फिर से उस पॉइंट पे चला जाएगा, बट हमारा मेन गोल ये है कि हम इस पॉइंट पे खरीदे जहाँ पे ड्रॉप हुआ है, ओवर सेल हुआ है, और इस लेवल पर जाने के लिए जाने में हमारा फायदा हो।
समझ में आ रहा है? तो हमें यहां से गिरना नहीं है, हमें यहां से ऊपर जाना है। मेन गोल ये है कि ये जो पर्पल लाइन तुम देख रहे हो, इस लाइन से हमने उठना है, हमने ऊपर जाना है। जैसे यहां देखो, ये कैंडल्स बार तुम देख रहे हो, यहां देखो रेजिस्टेंस हुआ है, क्यू ड्रॉप हुआ है। देखो ये इस लाइन को मैच करो, ओवर सेल हुआ है यहां पर, सेम देखो। अब यहां पर जब तुम आते हो, देखो ओवर परचेज हुआ है, लोगों ने खरीदा है। लाइन को जब तुम मैच करते हो, ओवर परचेज हुआ है और कितना फायदा हुआ है, 1200 1500 1556 डॉलर का फायदा हुआ है। सो यहाँ ओवर सेल ओवर परचेज के टाइम पे बिटकॉइन 57,492 तक गया है। ऐसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी को तुम, अगर कोई भी स्टॉक हो उसे लेने के लिए, देखो ये तुमने समझना होगा, इस पर्पल लाइंस को, इस चार्ट को तुमने समझना होगा, ये टूल तुम्हें यूज करना होगा। अभी अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई तुम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, अगर तुम्हें पता नहीं, तुम स्टॉक में नए नए हो, तुम सीधा अपना पैसा रॉबिनहुड या कोई भी ऐप में लगा दोगे। लेकिन अगर तुम tradingview.com पे आओ, यार शाहिद भाई ने मुझे कहा है कि बिटकॉइन लो, और अभी तो बिटकॉइन 56,000 का है, ओवर सेल हुआ है, क्यों ना मैं थोड़ा वेट करके अगर ये इस लेवल पे आ जाए और मैं इसे 56 का खरीदूं या 54 का खरीदूं। यहाँ पे देखो 2000 डाउन हुआ है, 54,000 में मैं, लेट्स से कि अगर मैं $10,000 भी लगाता हूँ, अगर ये ओवर सेल के टाइम पे मैं यहाँ खरीद लूँ, मैंने परचेस यहाँ पे ओवर सेल हुआ, इस पॉइंट पे मैंने परचेस किया, हो सकता है एक घंटे में दो घंटे में ओवर परचेस हो जाए और मेरे वो $10,000 जो है इस पे मुझे एक घंटे में 2000-3000 और मुनाफा हो, कैसा रहेगा? तो ऐसे ही तुम्हें पता चलेगा, मार्केट कैप का तुम्हें पता चलेगा कि यार मार्केट कैप क्या है। हर एक जो भी स्टॉक है, यहाँ पे सर्च बार में डालो जो भी स्टॉक है। लेट्स से हम डॉज कॉइन को देखते हैं, राइट, हम डॉज कॉइन को देखते हैं। हम अगर डॉज कॉइन को देखें, जो भी हो सेम तरीका है, चार्ट को देखोगे, ठीक है, फुल फीचर चार्ट को देखोगे। अब देखो यहां पर अगर तुम डॉज कॉइन को इस पॉइंट पे खरीदते हो, क्यों, ओवर सेल हुआ है, इस लाइन से ड्रॉप हुआ है, ओवर सेल हुआ है। इस वक्त ओवर सेल के टाइम पे डॉज कॉइन कितने का था, ओवर सेल के टाइम पे डॉज कॉइन जो था 0.00834 समथिंग, राइट, -10% था। अब इस जगह पे क्यों गया है, ओवर परचेस हुआ है, ऑलमोस्ट जो है +25% ऊपर गया है। तो अगर तुम इस पॉइंट पे डॉज कॉइन को खरीदते हो और इस पॉइंट पे तुम सेल करते हो, तो तुम्हें इस पॉइंट पे फायदा है। लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं और तुम इस पॉइंट पे बाय करो, परचेस करो, और तुम्हें यहाँ देखो यहाँ ओवर सेल हुआ है, तो तुम्हारा पैसा यहाँ से बूम सीधा इधर गिर जाता है। अब समझ में आ रहा है? सो मेन गोल ये है कि हमने जमीन से ऊपर जाना है, हमने जमीन से जो है ऊपर जाना है, ये नहीं कि हमने आसमान से यहाँ पे गिरना है, नो दैट्स नॉट द केस। सो ऐसे ही करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जुड़े रहो साथ में ताकि हम ट्रेडिंग और भी सीखें। गुड लक।